वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद तरन्नुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अरवी गोश्त का सालन। यहाँ पर मैं बड़ी अरवी गोश्त का सालन बनाने जा रही हूँ और बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो मेरे चैनल पर दो अरवी गोश्त की रेसिपी अपलोड है, आप चाहें वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। और ये मैं बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पर हमने एक कुकर ले लिया है अरबी गोश्त का सालन बनाने के लिए, और यहाँ पर हमने ये आधा किलो बीफ का गोश्त ले लिया है। इसे अच्छे से वॉश करके इसका सारा पानी हमने ड्रेन आउट कर दिया है। तो हम इसे गोश्त को हम इस कुकर में डाल देंगे। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम ये गोश्त को हमने कुकर में डालना है हमें। और ये हमने दो बड़े प्याज ले लिए थे, उन्हें हमने रफली चॉप कर लिया था, ये डाल देंगे। ये एक टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल देंगे। एक टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर है, ये डाल देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, इसे भी डाल देंगे। एक टीस्पून सॉल्ट है, इसे भी डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। और एक टेबल स्पून भर के ये धनिया पाउडर है। अरबी गोश्त में धनिया कम पड़ता है क्योंकि अरबी गोश्त का सालन अरबी की वजह से गाढ़ा हो जाता है, तो हम इसमें धनिया कम डालते हैं। और ये कुछ खड़े मसाले हैं, एक तेज पत्ता है और एक बड़ी इलायची है, दो छोटी इलायची हैं और एक इंच दालचीनी का टुकड़ा है, चार लौंगे हैं, 10-12 काली मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून सफ़ेद जीरा है, ये भी डाल देंगे इसमें। और ये 200 ग्राम मस्टर्ड ऑयल है, ये भी डाल देंगे इसमें। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक कप पानी डाल देंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो गया, तो चलिए इसे पकाना शुरू करते हैं। तो देखिए गैस पर हमने कुकर चढ़ा दिया है, अब हम इसे तब तक ये भुन नहीं जाएगा तब तक हम पकाएंगे। तो देखिए इसमें बॉयल आ चुका है, अब हम इसमें और इसका मसालों का कच्चापन और अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो गया है। अब हम इसमें पहले ढक्कन लगा के गोश्त को गलाएंगे, फिर बाकी का हम इसे भूनेंगे। पहले हम इसमें ढक्कन लगा के इसमें 5 बिसल आने देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए, फिर हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए इसमें 5 बिसल आ चुकी हैं और इसको मैंने इसी के प्रेशर में रहने दिया था। तो आइए चेक कर लेते हैं गोश्त गला है कि नहीं। गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है। अब गैस ऑन करके हम इसे अच्छे से भून लेंगे और अब इसे अच्छे से हम भूनेंगे एक बार, जब तक कि ये इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए और अच्छे से भुन ना जाए। ये अरबी गोश्त बनाना बेहद आसान है, इसे आप जब कभी आप जल्दी में हैं अगर तो इसे इस तरीके से गोश्त में सारे मसाले मिलाकर पकने रख दीजिए और ये 10-15 मिनट में यह हांडी बनके तैयार हो जाएगी। अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहा है या गोश्त रखा है फ्रिज में, तो आप इस तरीके से गोश्त फटाफट बना के तैयार कर सकते हैं। इसे कोई भी बिगनर भी बना सकते हैं, बेहद आसान तरीका आपको बता रही हूँ और ये खाने में भी बेहद मज़ेदार लगता है। तो देखिए हाई फ्लेम पर गोश्त को भूनते हुए हमें 10 मिनट हो गए और गोश्त ने जो पानी छोड़ा था वो भी सारा ड्राई हमने कर दिया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है और गोश्त अच्छे से भुन गया है। अब हमें इस स्टेज पे इसमें ये हमने एक बड़ी अरवी ले ली थी, उसे अच्छे से छील के अच्छे से वॉश करके और हमने इसका सारा पानी ड्रेन आउट कर दिया। अब ये डाल देंगे और इसे एक बार मिक्स करेंगे और इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना पतला या गाढ़ा रखना चाहते हैं शोरबा, उतना आप पानी डाल दीजिए। अब एक बार फिर इसमें हम ढक्कन लगा के इसमें 3 विसिल आने देंगे ताकि ये अरबी हमारी गल जाए। ये अरबी बड़ी वाली देर में गलती है, इसलिए हम इसमें 3 विसिल आने देंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए इसमें 3 विसिल आ चुकी हैं, मैंने इसको इसी के प्रेशर में रहने दिया था। तो आइए चेक कर लेते हैं अरबी हमारी गली है कि नहीं। एक बार इसे चला देंगे तो देखिए अरबी हमारी अच्छे से गल गई है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट गली है जिस तरीके की हमें चाहिए और इसका टेक्सचर भी कितना अच्छा आया है, कलर और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
और देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है। इसी तरीके की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। अब हम इसमें ये एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे और इसे गरम मसाला डाल के एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये गरम मसाला सब में मिक्स हो जाए। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी लग रही है, कितना अच्छा कलर आया, कितना अच्छा परफेक्ट ये लग रहा है अरबी गोश्त का सालन। तो आइए अब हम इसका फाइनल लुक अब आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है अरबी गोश्त का सालन। इसे आप अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे बताए हुए तरीके से, और इसे आप रोटी के साथ, मक्का की रोटी के साथ चाहे सर्व करिए। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए अगर मत जाइए, और हमें सपोर्ट करिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।